नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए YouTube वीडियो में। हाँ, ये वीडियो लगभग एक महीने बाद आ रही, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो है व्लॉगर्स जो बाहर जाके शूट करते थे, और इस वजह से बाहर जाके कोई वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। और एक महीने के अंतराल के बाद मैं भी आया, लेकिन आपको प्रॉमिस है कि अब यहाँ से लॉकडाउन बढ़ने वाला है और कब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो मैं डिसाइड किया है कि अब यहाँ से टाइम टू टाइम मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये वीडियो है कोरोना वायरस के ऊपर। हाँ, कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है और आजकल फ्लडेड है इन चीज़ों से कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस। बट हाँ, कोरोना वायरस के वजह से जो नुकसान हुआ है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स सेक्शन है उनको जो नुकसान हुआ, उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं फीचर हुआ था प्रभात खबर में, जो कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में उसका पब्लिकेशन किया जाता है। तो उसमें मैं उसमें मेरा एक कॉलम आया था, आर्टिकल आया था, तो लोगों ने तो यहाँ पढ़ा, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोरोना वायरस से सभी लोगों को बहुत नुकसान हुआ, और जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो हालांकि निग्लिजिबल है उन लोगों के मुकाबले जो जिन्होंने कोरोना वायरस की वजह से अपना जान खोया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और भारत में भी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है, 28,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं इंडिविजुअली अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, मैं खुद की बात करूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए और पता होगा, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से और थर्ड ईयर में हूँ। तो मैं एक सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा था कि मई में मेरी ज्वाइनिंग थी अमेजोन में। पूरे उत्तराखंड से लगभग 17 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से आपका जिताव आनंद भी था। और तो हमारी ज्वाइनिंग होने वाली थी, ऐसा इंटर्नशिप लगी थी पूरे उत्तराखंड में 17 लोगों की, उसमें से मैं भी एक था। तो ये सरप्राइज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, वीडियो बनाने ही वाला था कि तभी कोरोना वायरस आ गया और इस वजह से सब कुछ बिल्कुल रुक सा गया, इंटर्नशिप भी रुक गई, लोगों के जो प्लेसमेंट्स थे वो भी रुक गए। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल और प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, कि उन पर कितना असर किया है ये कोरोना वायरस। सच बताऊँ तो जिनका जॉब लग चुका था वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग जिनका जॉब नहीं लगा था और कंपनियां का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो रखी है। थर्ड ईयर में हम हैं तो चलिए काम चल जाएगा कि हमारे पास टाइम है, हम रिसेशन तो झेलना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे जो कंपनियों का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और उनके लिए भी जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं ली थी और वो वेट कर रहे थे अपनी जॉब लेटर्स का, तो मैं बता दूँ आपको कि 7 नवंबर को जो आर्टिकल में मैंने प्रभात खबर को जो मेरी उनसे बातचीत हुई, जो उनका रिक्वायरमेंट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या नुकसान होगा और प्लेसमेंट में कैसे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपको पता, अमेज़ॉन में इंटर्नशिप लगना एक वाकई बहुत प्राउड की बात होती है, और उस रीज़न के लिए भी बहुत गर्व की बात होती है जिस रीज़न से आप सेलेक्ट होके आते हैं। तो वहाँ भी काफ़ी मुझे मिला था ऑनर की वो के आपका सिलेक्शन अमेज़ॉन में हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कितना नुकसान हुआ है, 7 नवंबर को कॉलेज में आई थी अमेज़ॉन और सब कुछ हो चुका था, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे, पैन कार्ड्स ले लिए गए थे, ये पेड स्टाइपमेंट थी। और अमेज़ॉन में आप सोच सकते हैं जिसमें जॉब लेने के लिए, जिसमें इंटर्नशिप पाने के लिए हमने 4-5 महीने मेहनत करी थी, और अंत में परिणाम ये निकलता है कि इंटर्नशिप AICTE के थ्रू जो आया है उनका स्टेटमेंट कि इस साल भारत में कोई भी इंटर्नशिप्स नहीं किए जाएंगे। तो जिनको नहीं मिला उनके तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मिल रखा था और अमेज़ॉन जैसी कंपनी जो कि ड्रीम कंपनी होती है, तो उसमें नहीं जाना कहीं ना कहीं बहुत चोट लगता है। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है, हर लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े नुकसान से जूझ रहे हैं। तो प्रभात खबर में मेरी एक आर्टिकल आई थी, अभी बहुत आपने देखा होगा, मैंने उसमें मेरा एक कॉलम आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को आप बनाया जाए। और मैं 24 दिसंबर को गया था अमेज़ॉन में, उनका जो IMT मानेसर गुड़गांव में उनका जो वेयर हाउस है वो काफ़ी शानदार था, हालांकि वहाँ पे व्लॉग्स शूट करने नहीं दिया गया, वैसे भी मैं आपके लिए सरप्राइज रखा था, तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द मैं आपको इसके बाद और भी वीडियोस शूट करूँगा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने बारे में एक सीरीज़ शुरू करूँगा। जो लोग भी देखते हैं मुझे, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं सीरीज़ शुरू करूँगा, और हो सके तो मैं आसपास अपने घर ही दिखाऊँ। और हाँ, पेपर में आना एक खुद के लिए भी एक बहुत प्राइड की बात होती है, लेकिन इस रीज़न से आना थोड़ा अफसोस तो ज़रूर था। मैं पहले भी पेपर में आ चुका हूँ, आपने अगर देखा होगा, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आपको बता दूँ, ये मेरी आज का वेदर बहुत प्यारा है, और अच्छा मैं अभी अपने गाँव में हूँ, अभी मैं बिहार में हूँ, और
लॉकडाउन की वजह से फंसा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं बैक टू उत्तराखंड आऊँगा, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी कई सारी व्लॉग्स भी पब्लिकेशन में के लिए गई थी और पब्लिश भी हुई, प्रभात खबर में ही हुई थी, मसूरी व्लॉग आई थी, वो आप जाकर के देख सकते हैं। तो लेकिन इस बार भी 20 अप्रैल को आई थी, आप मैं लिंक दे दूँगा जहाँ पर आप जाकर के वो पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा था और क्या मेरे बारे में क्या आया था। तो बस यही, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं पेपर में आया था, जिस वजह से आया वो थोड़ा सा दुखद था, लेकिन चलिए अब क्या कर सकते हैं। बस यही है कि स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस है, चला जाएगा, नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ, सभी का नुकसान हुआ है, स्टूडेंट्स का भी, एज अ स्टूडेंट मैं समझूँ स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो बस ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैंने करिए, छुट्टियों में अपनी मूँछ बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं, तो बताइएगा ज़रूर ये लुक कैसा लग रहा है। वैसे अभी इन द प्रोसेस है, आई होप बहुत जल्द हो जाएगा, हालांकि ये काट नहीं पा रहा हूँ, बाहर जाना भी मना है। तो बस ठीक है, आप भी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ अजिता वानंद साइनिंग ऑफ, बहुत जल्द मैं आपके सामने एक नई सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊँगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और फिर इसी के साथ अजिता वानंद साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल, बाय बाय।